तो गाइस लखन जा चुके हैं घर पर गुच्ची के पास, क्योंकि गुच्ची के पास कोई है नहीं। और मैं भी बस मम्मी को ड्रॉप करके निकलूंगी। मम्मी गई हुई यहाँ से कुछ सामान लेने, तो यहाँ पर कुछ अच्छा मैं बता दूँ कि मैं लखन का नाम लिखवा रही हूँ, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मुझे भी ये वाला काफी अच्छा लग रहा है। ए एल बड़ा करके बाकी सब लखन हिंदी में कर दे, ख और न हिंदी। हाँ भैया कैसा लगेगा आप बताइए? भैया अच्छा लगेगा ना, जैसे एल यार समझ नहीं आ रहा, बट हम लोग सोच रहे हैं। और भैया ने फिंगर में मना कर दिया, बोला कि फेड हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको दोबारा दोबारा आना पड़ेगा। तो यार इतना पेन कौन सहेगा, इसलिए अब हम अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, कहीं और सोच रहे हैं। ये ठीक है, वो ठीक है ना बोलता, दीदी कैसे बोलता है ठीक है? क्या मैं बताऊँ, ये दोनों ना बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। इनको बहुत ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ साथ में, ये लड़ते रहते हैं दोनों। तो पहले पहली बात तो मैं ये वाला टाइम, बट फिंगर में उन्होंने मना कर दिया है क्योंकि पेड़ हो जाता है। बाकी अब हमने कहाँ सोचा थी दीदी बताओ, यहाँ पर सोचा है या फिर यहाँ पे? कहाँ पे? सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे पेन होता है। नहीं भैया ने बोला कि फिंगर से ज्यादा कम पेन होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी टचअप का जरूरत पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, ये कहाँ कहाँ टचअप का जरूरत पड़ता है? यहाँ से ऊपर पूरा, नेक पे करवाया, यहाँ से ऊपर कहीं भी, ये और है, यहाँ से ऊपर कहीं भी। ओके गाइस, ये मेरा फर्स्ट टैटू है एंड आई थिंक ये मेरा लास्ट टैटू है, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है टैटू बनवाना। अच्छा, ये बोलता है यहाँ पर, यहाँ पर, और दिव्या दीदी बोलती है यहाँ पर। यार दिखेगा कहाँ? दिखेगा तो यहीं पर, यहाँ पर, यहाँ पर ना, बट मुझे यहाँ पर नहीं बनवाना, इसलिए मैंने सोचा है यहाँ पर। मैंने पूछा टैटू में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। अब मुझ पर भी डिपेंड करता है कि मैं कितना चीखूंगी रोकूंगी, है ना। जय माता दी। सोच तेरा हाथ ही नहीं है। हे भगवान प्लीज, जय माता रानी, चलो अब तो और ज़्यादा हो रहा है। तुम लोग ज़्यादा हंस रहे हो ना, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। मैंने टैटू बनवा रही हो, है ना? मैं लक्स के लिए टैटू बना रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो मित्रों यहाँ पर होता है हमारा काम खत्म, और सच में मुझे पेन हो रहा है अब तो। अब हम जाएंगे पट्टी करवाने, और मैं लखन को जाके ये बोलूंगी कि मेरे हाथ में लग गई है। बेसिक एक वाली पट्टी मिली है, तो अब हम बांध रहे हैं अपने हाथों में पट्टी। आई मीन मैं बांध रही हूँ, ले भाई इसको लटा। चल ऐसे बोल दूंगी भैया मेरे हाथ में लग गई है लखन, और लकी लगी भी बहुत ज्यादा है दीदी, बहुत जख्मी हो गया, बहुत जख्मी हो गई है। इसने बोला लिपस्टिक लगाने के लिए। हाँ सच में यार, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ काम था मेरे लिए कि मैंने ये करवा दिया। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। अगर यार मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लखन जैसा पार्टनर मिला, बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। क्योंकि पता है जब मैं लखन से पहली बार मिली थी ना, और अब लखन बहुत अच्छा है। मतलब मैं अगर उसकी अच्छाई बताने पर आऊँ ना, तो ख़त्म ही नहीं होगी, पूरी रात लग जाएगी, मतलब ऐसे ही हो जाएगा। बट लखन बहुत अच्छा है, मेरे बारे में तो सोचता है, मेरी मम्मी के बारे में मुझसे ज़्यादा सोचता है, तो मुझे उसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पट्टी बहुत ही गलत तरीके से बांधी, इसको पीछे करना चाहिए। चल अब जो हो गया हो गया गाइस, बहुत लेट हो गए हम, अब हम जाते हैं घर। ये तो जाएंगे कैब से, मैं जा रही हूँ अपने घर। ओके एवरीवन, मैं घर पर आ चुकी हूँ, मैं देखती हूँ क्या। जा रही हूँ लखन मॉम को सरप्राइज़ देने, और उनको पता नहीं है कि मैंने क्या करवाया है क्या नहीं। तो अभी हम चलते हैं उन दोनों के पास, और लखन देख के क्या बोलेगा। मैं आ गई हूँ लखन के घर पर, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मुझे डर लग रहा है कि मुझे कहीं से डांटना पड़ जाए कि ये क्या करवा लिया ये। देखते हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ सोन दीदी के पास जाती हूँ, कभी भी कुछ भी होता है मैं सोन दीदी से कोई बात छुपाती नहीं हूँ। सोन दीदी को इसके बारे में पहले से पता था। सोन दीदी सबसे गंदी लड़की है इस दुनिया की। सोन दीदी कुछ बोलेंगी? हाँ दीदी, हाय। हाँ ये नहीं बोलो कि मुझे पता था। सबसे पहले मैंने सोन दीदी को बताया कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ, और फिर सोन दीदी ने कहा तो क्या बोला आपने, मेरा नाम क्यों नहीं लिखवा रहा, ये बोला था ना, बोलो। हाँ मेरा नाम क्यों लिखवाया, क्यों इतना स्लो बोलती हो। मॉम डैड भी आ गए अपनी वॉक करके, हम जाएंगे मॉम डैड से मिलने। हेलो पाई, नमस्ते। नमस्ते बेटा, आप तो बहुत पसीने में होते जा रहे हो। आज वॉक कर गए, कितने देर तक घूमे मॉम डैड? हम दो राउंड लगा खाए। नमस्ते। नमस्ते। दो राउंड? पौने चार किलोमीटर। अच्छा घूम रही है? मेरे लग गई हाथ में। कैसे कट गया हाथ? कैसे कट गया तूने? अच्छा कटे आदमी ये कह रहा है यहाँ से कटा, यहाँ से कैसे कट जा रही थी दूर से? यहाँ पर लोहा लग गया मेरे कील।
दादा क्या कर रखा है? अरे सच में कुछ पेंटू करवाया ही दिखा है? नहीं ना, मेरे को लग रहा है नहीं। दिखा तो दिखा, तो मैं कील देखूं। अभी दिखाती हूँ कील। दिखाई मुझे देखो माँ, मुझे लग रहा है पेंटू करने वाला ही दिखा है। नहीं माँ, तो कील दिखा मुझे। अभी दिखा दिखा कील। लकी लकी भुपका दिखा अभी जाकर। हाँ जल्दी आ आगे तू भी। ये टेंटू बनवा का ये मुझे क्या पता? क्या मेरे को लग रहा है ये? ले ले अरे लग गए हाथ में। दिखा मुझे कि ये कैसे लगा तेरे हाथ में? देखिए लगे, खोली जा। मतलब लगा होता बीटाडीन वगैरह येलो सा निशान बना होता। अरे वो बहुत घूम चोट पे बैठी है, कुछ मोटी पट्टी बन घूम चोट है क्या? मोटी पट्टी बकवास कर रही है। दिखा दे मॉम को, मॉम अपना टैटू दिखा। आपका टैटू मांग मेरा छोड़, तू अपना दिखा। मॉम क्या प्रैंक तो नहीं कर रही हमारे साथ? है कुछ जल्दी आए। मॉम आपका लास्ट पास है आज, कैसा लग रहा है आपको? मुझे कैसा लग रहा, तू दिखा पहले कैसा लग रहा। मुझे कैसा भी लग रहा क्या है? ये टैटू बनवा के बैठी है तो दिखा क्यों नहीं रही? पर डर क्यों रही है? देखा बेटा अरे पट्टी जो बन रही है कुछ चोट लगी है बेटी। भाई चोट लग गई है इसमें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सच में चोट लग गई, मेरी कील लग गई आज। अरे कील बड़ी ऊपर जाके लगी, कील यहाँ तक तो लग सकती है, यहाँ जाके कैसे घुसी कील पे? इसने लिखवा रखी होगी कुछ, इसने लिखवाई होगी लक्स। चलो सोचो आप दोनों, सोचो आप दोनों, सच सोचो आप दोनों। मैं तो ये सोच रहा हूँ, लखन या तो लकी लिखवा का ही है ठीक, या कुछ अपने पापा हाथ से लिखवा का ही है कुछ ना कुछ। ना मुझे लगा ये लिखा ये लखन लिखवा, मेरे को वैसे भी लग रहा, मेरे को दो दो लकी लखन लखन। मैं यहाँ तो लखन ना फखन कोई भी ना बुला के लाए ना। बता हमारे तरफ की कैमरा लेके बैठी है, उन्होंने तो बुला ला। मजा आ रहा है दोनों की बात सुनते हुए। मैं तो पसीना बहुत है कि मैं तो टॉवल ले लूं। इधर बैठो मेरे पास। अच्छा खोल तो दे इसे भाई। देखो इसने चोट का ड्रामा करा, चोट तो है नहीं है ना, सच में चोट। अरे क्यों है तेरे दर्द हो रहा है? चोट अच्छा गुम चोट है, गुम चोट का है ये। ये गुम चोट बनवा का है। मैं तो कल परसों जब बात कर रहे थे ना, मुझे जो है टैटू की, टैटू बनवाने की, ये टैटू बनवा के लाई है देख ले। अब इतना सस्पेंस तो खोलो ना भाई। अरे लगन खोलो, कैंची ना काट दे। और बताऊं हाँ। हो सकता है कुछ तेरा नाम या कुछ वही होगा, जहां तक मैं समझूं। कील लगे, कील लगी, लखन या लक्स या कुछ ऐसे कुछ होगा। मम्मी एक काम करो, सच में कील लगा दो एक बार। मैं लगा दूं कील? क्या है नीति इसमें? लगन दर्द हो रहा है, लग गया है। ओ हो, ड्रामा पूरा है। सब कह रहा है कोई पता नहीं, मैं मार रही हूं, हिंसा हो रही है क्या? अरे मैं कुछ लाल लाल सा तो है। अरे कुछ भी ना है। अरे ये देखो ना यार, आप चल चल चोट ना है यार, नाटक कर रही है। तुझे भी इतने दिन हो गए इसके साथ रहते रहते। आ मैं आ रहा कर रहे हो लाख से? या तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं यही काम कर रहा हूँ। इसे खोल कर दे ना, लास्ट में ही खोल लेगा। अच्छा ये ऊपर से जानबूझ के लगाया हुआ थोड़ा सा कलर। हाँ, वो हाँ। भी क्या है, लिपस्टिक है ऊपर ऊपर जो भी लिपस्टिक है। लिपस्टिक ड्रामा खोल रहा है, ये प्रैंक तो ना कर रही है और बाप रे बाप। अरे वाह बे वाह, मैं क्या कह रही क्या कह रही मैं? नहीं आप कह तो कुछ भी नहीं हो। हाँ। पर है ये वही परमानेंट वाला नहीं है? परमानेंट वाला है, परमानेंट वाला। देखिए ना, देखिए ना, मैं मजाक कर रहा था। थैंक यू यार, ये तो बहुत सुंदर है, देखो यार लखन। अच्छा अभी तो सही बता, मैंने ही बताई थी ना लाख से लखन। मैं भी बता रही नहीं, मैं बता रही कि अपने पापा बहुत दर्द इधर पेन नहीं हुआ, दर्द हो रहा था यार, होना था देखा। फिर मुझे ना अच्छा ही लगा, फिर मैंने यही पर यहाँ पर बोला यूनिक होगा बहुत ज्यादा, और यहाँ पे ना दिखेगा भी। मैं थोड़ी देर से फोन कर रहा ना, आ जा आ जा। तू बाहर चली गई थी। कितनी अच्छी है लखन तो नहीं कर को ये बता था जिसने भी लिखा है। वाह भाई सच में यार।
अबे कितना प्यार करती है। अच्छा यहाँ भी लिखा तूने, यहाँ भी पहले यहाँ भी लिखा था, यहाँ पे यहाँ पे मुझे ये इतनी पागल है तो यार मैं स्पीचलेस हूँ, फिर भी मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा क्योंकि आदत है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ऑन कैमरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर से बहुत स्पेशल फील हो रहा है। इतना स्पेशल कभी लाइफ में फील हुआ। थैंक यू नीतू, थैंक यू। लेकिन मेरे को इससे उम्मीद नहीं थी, मतलब ये कुछ ऐसा, क्योंकि टैटू से बहुत डरती थी। अच्छा ये ना हमेशा पूछती थी, मेरे हाथ में टैटू देखा तुम्हें पेन हुआ? और ये कल परसों में पूछ रही थी मेरे से, तुम्हें पेन हुआ? पेन हुआ, अच्छा। ये सब कुछ इस पूरे कार्यक्रम की जड़ है मम्मी, जो उस दिन पापा का करवा गए टैटू। मेरे तो मॉम से ही पहले का था, यहाँ से खुशी की उनसे पूछ रही थी, विवेक भाई की मम्मी से, कि आपको पेन हुआ? पहले से ही था। माते आपका भी हाथ है इसमें, ये जो पूछती घूम रही है सबसे इंक्वायरी कर रही थी कितना पेन होगा, पूछा पहले कितना पेन होता, कितना। अच्छा कितना हुआ? हुआ था, ज्यादा नहीं होता। हां मेरे को अरे मेरे को डर लगता ना सुई से, तो मुझे तो बहुत लग रहा था, फिर बीच में नहीं लगा, जब ये एल लिखा ना बहुत बड़ा, मुझे ऐसे हो गया। मैं तुझे तुझे डर ज्यादा लगा या वो? सच में तू मुझे बहुत प्यारी लगती है इसलिए, सच में यार। किस बात पे भाई, किस बात पे यार? हमारे बच्चों में अगर इतना प्यार होना आपस में, इससे बड़ी एक पेरेंट्स को, एक माँ बाप को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि उनके बच्चों में, भाई भाइयों में, पति पत्नियों में, मतलब इतना प्यार हो। अच्छा जी, हर जिंदगी की सबसे बड़ी किसी भी पेरेंट्स की कमाई ये है कि उनके बच्चे अच्छे से रहें, प्यार से रहें, और उनमें आपस में बहुत प्यार प्यार मोहब्बत हो। और बस ये समझ गए मुझे लग रहा है इसका मतलब है कि कभी कभी मुझे लगता है कुछ मैंने लाइफ में बुरे काम नहीं किए, शायद ऊपर वाला जिसको भी देता है ना वो औलाद के रूप में देता है, कुछ अच्छा देता है, या किसको दंड भी देता है ना किसी को, तो औलाद के रूप में देता है। और अगर मुझे ऊपर वाले ने अच्छी औलाद दी है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला मेरे काम ऊपर वाले को अच्छे लगे। तारीफ हजम नहीं, बहुत अच्छी है। तो तू भगवान ने फल दिया, भगवान को ये फल दिया है? नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा फल मिला कि मेरे को पाई जैसे और मॉम जैसे माता पिता मिले। पाई तो मतलब मेरे को बहुत प्यारे हैं, पाई जब मैं पाई के साथ रहती हूँ और पाई से बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे मतलब रियल मतलब मेरे पापा नहीं है और इस दुनिया में मेरे पापा नहीं है, मतलब सच में मुझे इतना प्यार देते हैं पाई, बहुत ज्यादा। मैं बहुत बहुत लकी हूँ, बहुत अच्छी है बेटी। वैसे तो मॉम भी बहुत अच्छी है, मगर ये गुस्सा करती रहती है, तो थोड़ा मूड गुस्सा भी पता है। सुन ना एक चीज और बताता हूँ, तुझे चल पता नहीं क्या है ये लखन की, तो सबसे ज्यादा पीछे तरफदारी तुम्हारी यही करती है, ये बहुत प्यार। जैसे क्या मम्मी, एक आध लाइन तो बता दो यार। जैसे तुझे कुछ कह देता हूँ, ये है ये ऐसे करता है, ये नहीं सुना वो नहीं सुना, तो सबसे ज्यादा तरफदारी करती है मम्मू। हाँ जब बाबूजी भी कभी कभी गुस्सा हो जाए तो मॉम चुप करा दी है बाबूजी को, है ना? क्या बात है भाई, रहती है। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया है ऊपर वाले ने मुझे उसका ना उसका मुझे फल दिया है, और वो फल है सबसे अच्छा फल होता है कि आदमी को अच्छा परिवार मिलना, अच्छा परिवार, और अच्छा परिवार आपस में बहुत प्यार से रह रहा हो खुशहाल, मतलब ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा परिवार मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है इंसान को। इससे तुमने सब कुछ कर दिया, दिखाइए एक बार सही से दिखाऊं तो। क्या बात है यार, वाव नीतू वाव। हमारे बाबूजी मेरे जो फादर हैं वो बचपन में कहते थे, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब एक जैसे ना इकट्ठा जैसे कलेक्ट करना, मतलब बहुत ज़्यादा उसका मतलब, अगर पुत्र आपका अच्छा है तो धन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप से बहुत कलेक्ट कर लेगा। और पूत कपूत मतलब कपूत अच्छा पुत्र नहीं तो आप कितना ही धन कर लो इकट्ठा कर लो उस सबको बर्बाद कर देगा, फिर भी उसको भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। वाह, ये तो आज का हमारा लर्निंग पॉइंट था, ये पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, मतलब बहुत अच्छी एक भाई आपने सीख दी, और हमारी ऑडियंस इसको पक्का, हमारी फैमिली सॉरी ऑडियंस नहीं बोलूंगा, अच्छी बात ये है कि हमारी फैमिली को नोट डाउन कर लो, संस्कार और अच्छी शिक्षा दो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी धन दौलत उनको दें, उनको आप अच्छे संस्कार दो, उनको कमाने की दुनिया के साथ रहने स्किल की सिखा दो, कि खुद ही कमा अच्छी चीजें, हाँ अच्छी चीजें सिखाओ, अच्छी चीजें करें, उसका व्यवहार अच्छा हो, दुनिया के प्रति अच्छा हो, काम धंधा करने वाला हो, मेहनती हो, लगन हो, ये सब होने चाहिए बच्चों में, अच्छे गुण होने चाहिए। ग्रेट भाई ग्रेट।
लाओ हाथ दो यार, ये क्या कर रहे हो? हाँ ऐसे लाओ मम्मू, हम साथ साथ है, नहीं तो हाँ तेरा हाथ रह रहा है। और हाँ एक चीज और, अभी एक चीज और बताने में भूल गया हूँ। इस मामले में चूंकि मैं तो व्यवसाय के सिलसिले में बाहर बहुत ज्यादा रहा हूँ, इस बारे में सबसे बड़ा जो रोल है हंटर वो है पूनम का, हंटर का, क्योंकि पूनम ने इनको बच्चों को कंट्रोल में भी रखा, इन सब में प्यार भी बनाया रखा, मतलब एक ऐसा माहौल बना के रखा कि इनमें प्यार भी रहा और इन लोगों में आत्मविश्वास भी भरा, और कुल मिला के कोई वो नहीं, और इसने बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरह कोई अवगुण नहीं आने दिए और बहुत अच्छी तरह से इसने, और जितनी डांट हमें पड़ती है उससे ज्यादा उसमें पड़ती है क्योंकि वो हरकतबाज है, मतलब वो कुछ ना कुछ काम करती रहती है। मैंने कई बार ना लखन के जैसे व्लॉग्स में या उसमें देखे हैं, कई बार कोई रील वील, मैंने कभी कभी जब मौका होता तो मैं गाड़ी में जब जाता हूँ तो वो मैसेज वगैरह पढ़ते जाता हूँ, तो मैंने कई बार देखा, बड़ी हंसी भी आती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो नीतू को जो इतना प्यार करते हैं ये कैमरे पर या दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं है, सच ये है कि जो हमारे यहाँ जो आप देखते हैं वो रियल ही वो है, उसमें कोई वो नहीं है, जो प्यार है जो भी है जैसा भी जो करते हैं वो सब कुछ वो ऐसा दिखावे वाला कुछ भी नहीं है, और डांट भी रियल है, समझ जाओ आप। और जैसे कि आपको पता है आज अष्टमी थी, कल है नवमी, कल हमारे घर कन्याएं आएंगी, माता आएंगी कन्याओं के रूप में, कन्या पूजन आप सबको जरूर दिखाना है मुझे, तो जुड़े रहो यार। हाँ